हेलो, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप इस समय शुभा के साथ हो। तो आज का मेरा टॉपिक है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के साथ जब पेरेंटिंग करते हैं तो कुछ गलतियां बड़ी ही कॉमन सी होती है जो वो करते हैं। तो उन गलतियों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। तो वो गलतियां हैं कि जो मदर्स होती हैं अपने बच्चों को जो अपब्रिंगिंग कर रही होती हैं, उनको खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने में इतनी बिजी होती हैं कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं करती हैं। जो गलती आपको नहीं करनी है, इन सब के बाद भी आपको अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, उनके साथ प्ले करना है और उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और मदर एक बेसिक गलती करती हैं, अगर उनके दो बच्चे होते हैं तो बड़ा बच्चा अगर ज़्यादा बड़ा है, एज डिफरेंस ज़्यादा है, तो अपने बड़े बच्चे को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हैं कि छोटे भाई बहन को देखना गिरने ना पाए, क्योंकि उनका काम थोड़ा सा वर्कलोड कम हो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप कभी कभार दे रहे हैं तो नॉर्मल है, बट अगर आप डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चा समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। जो बड़ा बच्चा है वो समय से पहले बड़ा हो जाता है, तो अपने बड़े बच्चे का बचपन मत छीनिए। कभी कभार चलता है कि ठीक है भाई को देख लेना, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने दो बच्चे किए हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज़ आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। और बड़े बच्चे को थोड़ा उनका फ्री टाइम दीजिए, ठीक है जाओ मस्ती करो खेलो, डेली डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने के चक्कर में अपने बड़े बच्चे को उम्र से पहले बड़ा कर देते हैं। तो ये गलती नॉर्मली मदर्स ना चाहते हुए भी उनको पता नहीं होता है, पर वो कर जाती हैं ये गलती। तो प्लीज़ ये गलती मत दोहराइए। और कभी कभी क्या होता है, मदर्स काम कर करके थक चुकी होती हैं, बहुत परेशान होती हैं, किसी से परेशान होती हैं, लाइक अपने लॉस से या हस्बैंड से, किसी से परेशान होती हैं, तो अपना गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे उतार देती हैं। उनको पता होता है बच्चा नॉर्मल गलती करता है, चीज़ें गिरा देगा, चीज़ें टूट गई या खाना नीचे गिरा दिया, वो ये बच्चे का ही बेसिक नेचर है। लेकिन इस पे भी मदर्स उनको उनके ऊपर हाथ उठ जाता है मदर्स का, उनको मार देती हैं, थप्पड़ मार देंगी, बुरी तरीके से मार देंगी। बाद में उनको गिल्ट कॉन्शियस भी होता है, उनको बुरा भी लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कभी भी किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पर बिल्कुल मत उतारिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है, अभी वो छोटा है। इससे आप अपने बच्चे को अपने अटैचमेंट से अपने 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 प्रति जो ममता है उससे दूर कर रहे हो। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शाइन ब्राइट विद शुभा। आपको ऐसी ही नॉलेज की बातें मिलती रहेंगी, मैं अपने वीडियो अपलोड्स करती रहूँगी। हाँ, मुझे बहुत दिन से लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं, मैम प्लीज़ अपना वीडियो अपलोड कीजिए, तो फाइनली उन लेडीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।